वोट की एनए 205 पर जिमनी इंतखाब, पोलिंग के दौरान बदनज़मी के वाकयात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख जरवार पोलिंग स्टेशन पहुंचे, जहां वो पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। पीटीआई रहनुमा ने एहलकार पर धक्के देने का इल्जाम भी लगाया। धक्का नहीं दो, ऐसा हिसाब नहीं करो, नहीं होगा सर। बिल्कुल दोबारा हुआ, अपना काम करो। मैं जा रहा हूं जल्दी, बिल्कुल खड़ा हो। इसने धक्का दिया, कांचार काउंटर बजाए, बंदर को धक्का, मुझे धक्का दिया। आपका काम नहीं है, मैंने काउंटर ही करना दिया। बिल्कुल क्यों धक्के दिए सर, कोई धक्का नहीं, कोई बात। हलीम आदिल शेख की पुलिस एहलकारों से उलझने की वीडियो सामने आ गई। सारे पुलिस वाले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाके पर पीपल्स पार्टी ने सख्त मौके अख्तियार किया और मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दुआ भुट्टो, हलीम आदिल शेख और अली नवाज खान मेहर को घोटकी से बेदखल करने का हुक्म दिया। जिमनी इलेक्शन के दौरान लड़ाई के वाकयात भी पेश आए। जहांपुर पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार के हामी सामने आए, दो अफराध जख्मी हुए। पोलिंग स्टेशन 211 पर भी झगड़ा हुआ, पुलिस ने आकर सूरत हाल पर काबू पाया। उधर रेंजर्स ने एमपी अली नवाज महर की गाड़ी से डंडे बरामद कर लिए।